जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं और किस तरीके से वो वर्क करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप की कि ये क्या होते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक सैम्पल मॉडल बनाना होता है जो कि हमारी कस्टमर जो हमारा क्लाइंट है जो जो भी वो हमें रिक्वायरमेंट बताएगा अपनी उसके अकॉर्डिंग हम एक मॉडल तैयार कर लेंगे, एक सैम्पल मॉडल। ठीक है, उसके अंदर हम उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको एंटर कर देंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मॉडल तैयार कर देंगे। अगर तो वो क्लाइंट को लगता है कि ये बिल्कुल सही है तो हम अपनी फर्दर प्रोसेसेस करेंगे, लेकिन अगर क्लाइंट को ये फील होता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है तो हम उसको दोबारा से बनाएंगे और उसके बाद फिर हम उसको शो करवाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि इसके अंदर एक प्रोसेस जो है वो रिपीट हो रहा है तो प्रोसेस के रिपीट होने की वजह से ये हमारे पास थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि हमारी उतनी कॉस्ट लग रही है, हमारी उतनी एफर्ट लग रही है, उतना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो प्रोटोटाइप अब हम इसको एक दफा पढ़ लेंगे। प्रोटोटाइप इज एन इनिशियल सैंपल और मॉडल ऑफ अ प्रोडक्ट दैट शोज द बेसिक्स ऑफ व्हाट अ प्रोडक्ट विल लुक लाइक। प्रोटोटाइपिंग इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड इन विच प्रोटोटाइप इज बिल्ट, टेस्टेड एंड देन रिवोक्ड एज नेसेसरी अंटिल एन एक्सेप्टेबल आउटकम इज अचीव्ड। इट इज अ सिमुलेशन ऑफ हाउ द सॉफ्टवेयर फील एट वर्क, सेम एज इट इज। जो मैंने आपको बताया कि हम अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक सैम्पल मॉडल उसको क्रिएट करके बताएंगे और अगर उसको सही लगा तो हम अपने फर्दर स्टेप्स करेंगे। सो फर्दर स्टेप्स हमारे पास क्या होते हैं, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्विक डिजाइन, बिल्ड अप प्रोटोटाइप, इनिशियल यूजर इवैल्यूएशन, रिफाइनिंग द प्रोटोटाइप एंड इंप्लीमेंट एंड मेंटेन। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पहले रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं, क्लाइंट से हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं और उसका फटाफट से क्विक डिज़ाइन बना देते हैं। उस क्विक डिज़ाइन के को हम लोग एक प्रोटोटाइप का नाम दे देते हैं, जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं वो एक सैम्पल प्रोटोटाइप बन जाता है। उसको हम इवेल्युएट करते हैं यूजर को, यानी कि हम उसको यूजर को देते हैं ताकि वो इसको देख सके, और इन केस कि अगर उसने इसको ओके नहीं किया तो हम अगेन जो है उसको रिफाइन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। खैर हम इसकी स्ट्रेंथ्स देख लेते हैं कि प्रोटोटाइप की स्ट्रेंथ्स हमारे पास क्या होती है। इसके अंदर इन्वॉल्व यूजर फीडबैक, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हम कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो भी हम देखते हैं कि इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, इसका फीडबैक कैसा है। जिस तरीके से ये एक सैम्पल लेक्चर है सो इसके अंदर भी आप लोग अपनी फीडबैक्स ऐड करेंगे, आप बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो सेम एज इट इज, अगर इसके अंदर कहीं इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी तो वो हम इसके अंदर करेंगे। सो सेम एज इट इज हम प्रोटोटाइप में करते हैं, एक सैम्पल दे देते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर लोगों के फीडबैक, अपने क्लाइंट्स के फीडबैक जो है उसको देखते हैं और उसके बाद हम लोग उसको रीडिज़ाइन करते हैं। इसमें फ्लेक्सीबिलिटी होती है डिज़ाइन में, मिसिंग फंक्शनैलिटी इजीली फाइंड एंड सम डेवलपर्स एंड यूजर्स टू अंडरस्टैंड द सिस्टम बेटर ऑफर्स मच हायर लेवल्स ऑफ क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। इस फीडबैक का मकसद जहाँ पे भी हम लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने इस मॉडल के अंदर फीडबैक को इन्वॉल्व करना है, वहाँ भी पता होगा कि हम लोगों ने क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन देखनी है कि क्लाइंट इस चीज़ से सेटिस्फाई है। फीडबैक लेने का मकसद क्या है, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन। तो इस तरीके से हमारे दो पॉइंट बन जाते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल एरर्स, और जिस भी मॉडल में हम लोग फीडबैक ले रहे हैं यानी हम क्लाइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा नहीं होगा उस मॉडल में कि हम वो पूरा मॉडल क्रिएट करके उसकी हैंड ओवर कर देंगे और उसके बाद हमारा जिम्मा उस पर, इट्स डजेंट लाइक दैट। सो उसके लिए पोटेंशियल एरर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा एट द अर्ली स्टेजेस। ठीक है, आगे इसकी कुछ डेफिशिएंसीज हैं, जैसे कि जो फिजिबिलिटी है वो इसमें इग्नोर हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर मतलब हम लोग पहले नहीं देखते कि हम लोग ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारे लिए इजी है नहीं है, जो भी है हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। और जिस तरीके से जिस भी मॉडल में आप देखेंगे जब हम फीडबैक इन्वॉल्व कर रहे हैं, जब हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन देख रहे हैं, जब हम लोग उसके अंदर पोटेंशियल एरर्स को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर फीडबैक, सो इसके अंदर क्या होगा, वो मॉडल कॉस्टली होगा। कॉस्टली क्यों होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें रिपीटेडली हो रही होंगी। ठीक है, एक्सेसिव डेवलपमेंट टाइम, सो जाहिर जाहिर है कि जब हम लोग वो कॉस्ट हमें आ रही है काफ़ी ज़्यादा उसकी रिपीटिंग प्रोसेस में, सो उसको रिपीट करने के लिए हमारे पास टाइम भी लग रहा होगा, एंड इनसफिशियंट एनालिसिस। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इसकी दो मेन टाइप्स आ जाती हैं, इसके हमारे पास आ जाता है थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स।
थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स हमारे पास क्या होते हैं? थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स ये होते हैं हमारे पास कि अगर हम लोगों ने एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया, हम लोगों ने वो क्लाइंट को बताया, यानी कि वो हमारा सेकंड स्टेज था, हम लोगों ने क्विक डिजाइन किया, क्विक डिजाइन करके प्रोटोटाइप डिवेलप करके कस्टमर के हैंड ओवर किया, उससे पूछा कि अगर उसको सही लगता है तो हम फर्दर इसके अंदर अपने प्रोसेसेस कर लेते हैं। सो अगर कस्टमर को वो सही नहीं लगता तो हम उस प्रोटोटाइप में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, या इवन हम उसको बिल्कुल साइड पे करके एक दोबारा से एक नया प्रोटोटाइप बनाएंगे, तो उसको हम कहेंगे थ्रो अवे प्रोटोटाइप, जो कि हम लोगों ने वेस्ट कर दिया, जो हमारा वेस्ट हो गया। सही है। इसी तरीके से एक होता है इवेल्युएशनरी प्रोटोटाइप। इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा वो प्रोटोटाइप होता है जो कि थ्रो अवे से ऑपोजिट होता है, यानी कि उसको तो हम लोगों ने वेस्ट कर दिया, वो हमारा वेस्ट चला गया, लेकिन इसके ऊपर हम अपने फर्दर प्रोसेसेस जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स आर क्रिएटेड टू डेमोंस्ट्रेट अ कांसेप्ट और आइडिया आफ्टर डेमोंस्ट्रेशन, यू मे नॉट नीड नो मोर यूज ऑफ दैट प्रोटोटाइप। इवैल्यूएशनरी प्रोटोटाइप आर डेवलप्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड कंटिन्यूअली फिक्स्ड एंड अपडेटेड टू सॉल्व बेटर दैट प्रॉब्लम। इसके अलावा हमारे पास एक स्ट्रेंथ्स और डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, बेटर सूटेड फॉर लार्ज मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बहुत छोटे मिशन के लिए हम लोग सैंपल नहीं बनाएंगे, उसके छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर हम इतना टाइम यूटिलाइज नहीं करेंगे, इतनी कॉस्ट यूटिलाइज नहीं करेंगे। डेवलपर्स लर्न फ्रॉम कस्टमर्स अ मोर एक्यूरेट फाइनल प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स एक्यूमिडेटेड, अलाउज फॉर फ्लेक्सिबल डिजाइन एंड डेवलपमेंट, रिस्क एनालिसिस इज बेटर, स्पोर्ट्स चेंजिंग एनवायरमेंट, इनिशियल ऑपरेटिंग टाइम इज लेस, फैसिलिटेट्स कस्टमर इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेफिशिएंसीज की, कि कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, कैन बी कॉस्टली, मोर मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरऑल मेंटेनेबिलिटी मे बी ओवरलुक्ड, प्रोसेस मे कंटिन्यू फॉर एवर, स्कोप नॉट सूटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग किसी भी छोटे प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत नहीं करेंगे। सही है। हाईली स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर रिस्क एनालिसिस। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, आगे ये तो हमारे पास था प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप के बाद हम लोगों के पास, यहाँ पे मैं आप लोगों को शो करवाती हूँ कि लाइक हम लोगों ने कौन कौन सा करना था। हम लोगों ने, हम फिलहाल ये अप्रोचेस देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये अप्रोचेस हैं हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास आ जाती है वाटरफॉल, सब स्पायरल, एजाइल, स्क्रम एंड प्रोटोटाइपिंग। सो हम लोग फिलहाल प्रोटोटाइपिंग को कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम आगे वाटरफॉल की तरफ मूव कर रहे हैं। सही है, तो हम वाटरफॉल को देख लेते हैं। टेक अ लिटिल बिट टाइम। Here we find it. ये हमारे पास आ गया वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसमें हर चीज जो है एक सीक्वेंस से चल रही है। जब एक चीज एक सीक्वेंस से चल रही है, मतलब हम इसके अंदर चेंजिंग तो नहीं कर सकते। हम जब ये सीक्वेंस से चल रही है तो हम इसको रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी ये एक बहुत ही रिजिड मॉडल है, और इसके अलावा जब ये एक रिजिड मॉडल है, हम इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, मतलब ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, फॉर एग्जांपल ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती, इसके अंदर फीडबैक सिस्टम होता हमारे पास, कि हम क्लाइंट से फीडबैक लेते और उसके बाद इसके ऊपर वर्किंग करते, इसके अंदर चेंजिंग करते, तो इस मॉडल में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल मॉडल है, इसको समझना भी बहुत आसान है और इसको मैनेज करना भी बहुत आसान है। और इसके अंदर अगर हम लोग मेंटेनेंस रिपोर्ट की बात करते हैं तो वो 60% है, जबकि बाकी की सारी वर्किंग सिर्फ 40% की है, ठीक है। ये सिर्फ समझने की हद तक है, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल इज अ लीनियर इक्वेशन मॉडल दैट डिवाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इनटू प्री डिफाइंड फेजेस, वन फेज स्टार्ट्स ओनली व्हेन द प्रीवियस फेज इज कंप्लीट।
सही है। सो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग कस्टमर से, जिससे आपको यहाँ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स का, प्लानिंग एंड डिजाइन का, बिल्ड एंड डेवलपमेंट का, टेस्टिंग का, डिप्लॉयमेंट का, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट का, सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम कस्टमर से, अपने क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक उसको सॉफ्टवेयर बिल्ड करके देते हैं, डेवलप करके देते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, हमें ठीक लगता है हम क्लाइंट के हैंड ओवर कर देते हैं, उसके बाद मेंटेनेंस सपोर्ट वगैरह जो भी है वो करना होता है, सही है। यानी कि उसके बाद है कि कस्टमर अपनी मर्जी से जो जो है इसके अंदर चेंजिंग कर सकता है। ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए वर्क करता है, लार्ज प्रोजेक्ट्स, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का इस मॉडल के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, क्योंकि ये उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता। यानी कि बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि वो कहते हैं कि हमारी ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है और इसको आप लोग आप पूरा कर दें, तो बाकी जो हमें चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट होगी जो वक्त के साथ हमें शायद पता लगे या अभी हमारे माइंड में नहीं है, तो हम तब इसके अंदर ऐड करवा लेंगे या खुद से ऐड कर लेंगे, तो इसके अंदर ये वाली चीज़ होती है, सही है। तो इसकी स्ट्रेंथ्स देख लेते हैं, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज, एक्सट्रीमली स्टेबल, ईजी टू मैनेज, माइलस्टोन्स आर वेल अंडरस्टूड, क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस, सुटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, एज आई टोल्ड यू बिफोर, डेफिशिएंसीज ऑफ वाटरफॉल मॉडल, हाई अमाउंट्स ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, नॉट अ गुड मॉडल फॉर कम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो जाता है, एरर कैन बी फिक्स्ड ओनली ड्यूरिंग द फेज, कैन बी फिक्स्ड ओनली ड्यूरिंग द फेज, यानी कि जो भी एरर है, जो भी मसला है, वो हम लोग सिर्फ फेज के दौरान ही करेंगे, यानी कि हम लोगों को टेस्टिंग के दौरान कोई भी मसला लगा हम वहीं पे इसको कर देंगे और उसके बाद उसको हैंड ओवर कर देंगे, उसके बाद इसके ना कोई भी मसला आता है हमारी सर कर देंगे, वेरी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, कि इन केस अगर हमारे क्लाइंट को पता लगता है कि मैंने इसके अंदर अब कोई चीज़ ऐड करवानी है, जबकि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें बता चुके हैं, हम डिज़ाइन क्रिएट कर चुके हैं, हम इसके अंदर वो चेंज इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। नो स्कोप फॉर रिवीजन और रिफ्लेक्शन, हम इस प्रोसेस को रिवाइज करके अपने क्लाइंट को नहीं देंगे, अगर हम लोग उसे नहीं बताएंगे, हम उसने अगर कहा कि ये सही नहीं है, जिस तरीके से अभी हम लोगों ने प्रोटोटाइप में पढ़ा कि इन केस अगर हम लोगों ने एक सैंपल बना कर दिया उसको, लेकिन उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम उसको दोबारा से उसके अंदर चेंजिंग इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी हम उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे और फिर हम उसको देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम प्रोटोटाइप में जिस तरीके से फीडबैक ले रहे थे, हम इसके अंदर फीडबैक नहीं लेंगे, डज नॉट इंक्लूड अ फीडबैक फीडबैक पार्ट, सही हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल बेसिकली क्या है, यहाँ हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आती है प्लानिंग, जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर हमारे पास आती है प्लानिंग। उसके बाद ये सेकेंड है, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है रिस्क एनालिसिस। इसको स्पाइरल मॉडल को हम मेटा मॉडल भी कहते हैं। मेटा मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाकी तमाम मॉडल्स का एक कंक्लूजन है, एक मल्टी मॉडल है, तो इस वजह से हम इसको मेटा मॉडल भी कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट इंजीनियरिंग का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट वन द फोर्थ क्वाड्रेंट इवैल्यूएशन का। फर्स्ट में जो हम प्लानिंग करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा क्लाइंट है, हम लोगों ने उससे रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो हमें बता देगा। उस क्लाइंट ने हमारे क्लाइंट ने हमें रिक्वायरमेंट्स बता दी, हमने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर रिस्क एनालिसिस करते हुए एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर देना, यानी एक सैंपल उसको क्रिएट करके दे देना है, ठीक है। अब उस सैंपल के बाद हम लोगों ने क्या करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है, हमारी तरफ से वो चीज़ ओके हुई, हम उसको प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन यानी कि हम उसको क्लाइंट के हैंड ओवर कर देंगे। इन केस अगर क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता, यानी हम क्लाइंट से फीडबैक लेंगे, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन को पूरा करना हमारा मकसद है, और जब क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है, हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब ये जो सर्कल्स हैं, ठीक है, ये जो एंगल्स हम बना रहे हैं, एंगुलर मूवमेंट्स हैं, ये बेसिकली हमें बताती हैं कि हमारा प्रोसेस कितना कंप्लीट हो चुका है, लाइक हम कौन से क्वाड्रेंट में इस वक्त मौजूद हैं। अगर हमारा एंगल यहाँ पर है, हमारी एंगुलर मूवमेंट यहाँ तक स्टॉप हो गई, यानी कि हम अभी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, अगर हम लोगों का 180 का एंगुलर कंप्लीट हो गया, सो इट मींस कि हम लोग रिस्क एनालिसिस पर हैं इस वक्त, ठीक है। इससे फर्दर जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे, हमारी एंगुलर मूवमेंट हमें बताती जाएगी कि हम लोग इस वक्त कहाँ पर लाई कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में हैं, हमारा प्रोसेस कितना कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर ये जो हमारा
आपको ये सेंट्रल पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ से जो भी हमारा रेडियस क्रिएट हो रहा है वो बताता है कि हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है। जैसे जैसे हम लोग इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा रेडियस जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, मीन्स हमारी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारी कॉस्ट उतनी लग रही है। ये हम इसके कॉन्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी कॉस्ट इंक्रीज होती है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल प्रोजेक्ट इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी ये कॉस्टली भी है, ठीक है, तो वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद इसके अंदर जो प्लस पॉइंट है वो ये कि हम फीडबैक देखते हैं, हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम इसके अंदर रिविजन्स देते हैं, रिपीटेडनेस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, ये फोर फेजेस जो हैं इसके वो हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रेंथ्स को एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। यूजफुल व्हेन यूजर्स आर अनश्योर ऑफ देयर नीड्स, यानी कि अगर हमारा कस्टमर जानता ही नहीं है कि उसकी ज़रूरत क्या है, और अगर वो बाद में इसमें कुछ चीज़ ऐड करवाना चाहता है, सो ही कैन आई थिंक फॉर लार्ज कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स रिस्क हाई रिस्क हैंडलिंग कैपेबिलिटी हाईली फ्लेक्सिबल मॉडल डेवलपमेंट इज फास्ट एंड फीचर्स आर एडेड ओवर टाइम द एंड प्रोडक्ट कैन बी हाईली कस्टमाइज्ड। उसके बाद कुछ डेफिशिएंसीज हैं हमारे पास इसकी, नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स एज इट इज एक्सपेंसिव एज आई टोल्ड यू बिफोर, रिक्वायर्ड एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि जितनी दफ़ा हम उससे रिक्वायरमेंट लेंगे, क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसेस है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सो मीन्स इसके अंदर एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन होगी, वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम टेकिंग, हाई रिस्क एनालिसिस रिक्वायर्स हाई स्पेसिफिक एक्सपर्टीज, ठीक है। उसके बाद वाइडली रिगार्डेड एज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आगे चलते हैं, आगे हम लोगों के सिलेबस में ये नहीं है मॉडल, ना ही ये इंक्रीमेंटल मॉडल है, एजाइल मॉडल है, ठीक है। एजाइल मॉडल हमारे पास क्या होता है, एजाइल मेथडोलॉजी प्रमोट्स कंटिन्यूअस इटरेशन रिपीटेशन ऑफ डेवलपमेंट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल दैट हेल्प्स डेवलपर्स टू क्रिएट एंड डिलीवर एप्लीकेशंस मोर क्विकली एफिशिएंटली एंड कंटिन्यूअसली। बेसिकली एजाइल मॉडल क्या है, एजाइल मॉडल में हम लोगों को, एजाइल का मतलब होता है फास्ट मूविंग, सही है, यानी कि क्विक सर्विस आप इसको कह सकते हैं। जो भी लार्ज हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जितने भी लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं आप उसके लिए याद रखें, जो भी लार्ज प्रोजेक्ट्स के मॉडल्स होंगे उसके अंदर हम फीडबैक इन्वॉल्व करेंगे, उसके अंदर हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को देखेंगे, उसके अंदर हमारा प्रोसेस रिपीट हो रहा होगा, ठीक है, उसके अंदर हम रिजिलियंस प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर हमारी कॉस्ट लगेगी, वो एक्सपेंसिव होगा, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, सही है। सो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोगों को जो हमारा क्लाइंट है उसको एक क्विक रिस्पॉन्स करना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसकी जितनी भी उसने हमें बताया होता है रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करते हैं, उसको हम डिज़ाइन करते हैं और लॉन्च कर देते हैं। अब लॉन्च कर लेने के बाद क्या होता है, हमारे पास कस्टमर का हम फीडबैक लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डेवलपमेंट करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं, रिव्यू करते हैं, और देन हम उसको रीलॉन्च कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने जो भी डिज़ाइन बनाया होगा उसको टेस्ट करके लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद जो भी फीडबैक आया उसके अंदर नई चीज़ें ऐड की, ठीक है। अक्सर मतलब जिस तरह हमारी ऐप्स में अपडेट आ जाती है, सही है, उसे आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके अंदर, अब हम लोग ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इसके कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, वो भी देख लेते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो भी लार्ज प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रिपीटेशन हो रही है, यानी हम उसमें चेंज रिक्वायर कर रहे हैं, चेंज उसमें कर सकते हैं, सही है, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, वो वाला पॉइंट इसमें ऐड हो सकता है। वर्किंग सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड फ्रीक्वेंटली, वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्रिंसिपल मेजर ऑफ प्रोग्रेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद कॉन्स्टेंट पेस, क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन बिजनेस पीपल एंड डेवलपर्स, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, मोटिवेटेड टीम, कॉन्टिन्यूस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिजाइन, सिंप्लिसिटी इज एसेंशियल, सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम्स, रेगुलर एडेप्टेशन टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। उसके बाद हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ्स वगैरह की बात कर लेते हैं, सो फास्टर टाइम टू मार्केट, क्योंकि हम लोगों ने इसको जो है अभी इसको कंप्लीट नहीं भी किया तो भी हम लोगों ने इसको लॉन्च कर दिया ताकि हम लोगों के फीडबैक देख सकें और उसके अकॉर्डिंग हम इसकी डेवलपमेंट कर सकें।
प्रोजेक्ट विजिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, एम्पावरिंग द टीम, हाई क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, बेटर टास्क ऑप्टिमाइजेशन, प्रोजेक्ट प्रेडिक्टेबिलिटी, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी एंड कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, बेटर कंट्रोल ओवर प्रोजेक्ट, स्टेक होल्डर्स इंगेजमेंट, कस्टमर फीडबैक इज इनकरेज्ड। इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने स्टेक होल्डर्स यानी कि जो प्रोजेक्ट लीडर है उसके साथ भी हमारी बातचीत हो रही होती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है इसमें। हम लोग कस्टमर फीडबैक को भी काफ़ी इंकरेज करते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत से पहले लॉन्च ही इस वजह से किया है ताकि हम उसकी डेवलपमेंट में वो चीज़ें ऐड कर सकें जो कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसकी कुछ डिफिशेंसीज भी हैं। डिफिशेंसीज क्या हैं कि डिफिकल्ट रिसोर्स प्लानिंग है, लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि हम उसको उसी टाइम जो है बहुत क्विक वे में इसको हम लोग लॉन्च कर देते हैं, ठीक है, तो इस वजह से इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो लिमिटेड होती है, और नो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये एक रिपीटेड प्रोसेस है, हम उसके अंदर कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग जो है इसमें मुसलसल तौर पर इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। प्लानिंग मे बी वीक, लेस प्रिडिक्टेबल। सही है, तो यहाँ तक तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इसके अंदर देख लेते हैं कि हमको मजीद इसमें क्या करना है। वाटरफॉल हम कर चुके हैं, स्पायरल हम कर चुके हैं, एजाइल भी कर चुके हैं, प्रोटोटाइपिंग भी कर चुके हैं। अब हमारे पास बचता है स्क्रम। स्क्रम हमारे पास क्या होता है इसको देख लेते हैं। स्क्रम में हमारे पास ये एक डायग्राम है और इसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। स्क्रम में हमारे पास क्या होता है, एक स्क्रम मास्टर होता है। स्क्रम मास्टर के बाद हमारे पास एक स्क्रम एक प्रोडक्ट ऑनर होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्पायरेंट बनाते हैं। स्पायरेंट बनाने का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे जो हमारा टाइम पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ ना आईटी वगैरह में यूज नहीं होता। लाइक एक गेम होती है रग्बी, जिसके अंदर बहुत से जो लोग हैं, जो भी टीम मेंबर्स हैं, वो एक तरह से इकट्ठे होकर ये देखते हैं कि उन्होंने बॉल को किस तरह से कैप्चर करना है। सो सेम एज इट इज इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक टीम वर्क हो रहा होता है। सही है, उसके अंदर कोई भी सीनियर मैनेजमेंट नहीं होती, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, वो एक पूरी टीम होती है जो कि मिल के सारी वर्किंग कर रही होती है। जिस तरीके से रेस होती है, रेस का एक टाइम पीरियड जो है वो काउंट हो रहा होता है, और कम टाइम में ज़्यादा हम लोगों ने रनिंग करनी है। तो सेम एज इट इज इसके अंदर हम लोगों का जो स्पायरल बनता है वो भी हमारा 2 to 4 weeks का बनता है, यानी उसके अंदर टाइम काउंट हो रहा होता है। तो ये उस टाइम के अंदर हम लोगों ने जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको देखना होता है कि हम लोगों ने उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है। सो इसके अंदर भी हमारे पास एक स्पायरेंट बनता है। उस स्पायरेंट के बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके अकॉर्डिंग मतलब हमारे पास क्लाइंट की डिटेल्स होती हैं, उसके बाद हम स्पायरेंट क्रिएट करवाते हैं। वो 2 to 4 वीक से ज़्यादा का नहीं होता। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में ये होता है कि डेली बेसिस पर जो पूरी टीम है वो 10 to 15 मिनट्स की एक मीटिंग करती है, और उसके अंदर जो भी उनके मसले होते हैं या जो भी उन्होंने इसमें चीज़ ऐड करनी होती है, जो भी इसमें से लेस करना होता है इस प्रोजेक्ट में से, सो वो इसके अंदर ऐड लेस करते रहते हैं। इसके अंदर नई चीज़ें इंप्रूवमेंट्स ऐड करते हैं, या जो भी इससे रिलेटेड फीडबैक्स आ रही होती है तो वो इसके अंदर ऐड हो रहे होते हैं। सही हो गया। उसके बाद क्या होता है कि इसके अलावा जो हमारा स्टेक होल्डर होता है, जो हमारा क्लाइंट होता है, हम उससे भी डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर उनकी मजीद क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो रही होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग उन्हें क्या करना होता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, देन हम इसको रिव्यू करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको रेट्रोस्पेक्ट करते हैं। सो ये हमारा एक प्रोसेस था जिसके अंदर हम लोगों ने इसको एक दफ़ा पढ़ लिया। अब हम आगे क्या करेंगे, हमारे पास एक नोट्स है और इसके अंदर हमारे पास स्क्रम दिया हुआ है, सो हम यहाँ से इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेंगे कि ये क्या होता है। स्क्रम इज एक्चुअली अ फ्रेमवर्क दैट इन्वॉल्व्स अ स्मॉल टीम लीड बाय अ स्क्रम मास्टर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें सीनियर मैनेजमेंट नहीं होती, एक स्क्रम मास्टर होता है। सो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद हुज मेन जॉब इज टू रिमूव ऑल ऑब्स्टेकल्स टू गेटिंग वर्क डन। स्क्रम मास्टर का काम ये होता है कि जितने भी मसले मसाइल आ रहे हैं काम के मुकम्मल होने में, उसने उस चीज़ को रिमूव करना है। इट इज बेस्ड ऑन इटरेटिव प्रोसेस दैट फॉल्स अंडर द एजाइल मेथडोलॉजी। वर्क इज डन इन शॉर्ट साइकिल्स एंड स्पायरल्स। शॉर्ट साइकिल्स एंड स्पायरल्स आई टोल्ड यू कि वो हमारे पास हम लोगों ने टाइम लाइन्स बनाई होती हैं, तो उसको हम स्पायरल्स बोल देते हैं। द टीम मीट्स डेली टू डिस्कस ग्रंट्स टास्क एंड एनी रोड ब्लॉक्स दैट नीड क्लियरिंग। जो भी मसले हैं या जो भी करंट टास्क चल रहा है उसके ऊपर डेली बेसिस पे टीम मीटिंग करती है और उसको डिस्कस करती है। स्क्रम इज अ मेथड फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स दैट अलाउज फॉर रैपिड डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग।
It is adaptable, fast, flexible, and effective framework to satisfy the customer's need by delivering value toward the development of the project with transparency in communication, collective responsibility, and continuous progress. आई होप यू कि आपको स्क्रम जो है वो क्लियर हो गया होगा. इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो नहीं, इतनी बातें लिखी हुई है, लेकिन आप इतना याद रखिए कि इसके अंदर टाइम लाइन के तौर पर हम लोग स्पाइरल्स बनाते हैं. जो भी हमारा काम होता है सेम एज इट इज, कि हम लार्ज प्रोडक्ट्स के लिए जो है ये काम करते हैं और उसको हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे स्पाइरल्स में, ताकि हमारे लिए उसको मैनेज करना आसान हो जाए. और इसके अंदर कोई भी सीनियर मैनेजमेंट नहीं होती, एक पूरी टीम होती है, उस टीम का एक लीडर होता है जिसको हम स्क्रम मास्टर कह देते हैं. सही है. और उसका काम क्या होता है, सारे ऑब्स्टेकल्स को वर्क डन में जो भी आ रहे हैं उसको रिमूव करना. और जो मीटिंग होती है टीम की, उसमें भी यही होता है कि जो भी करंट टास्क चल रहा है या जो भी रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं और उनको क्लियर उनकी जरूरत है, तो वो सब डिस्कस किया जाता है. इसके अलावा क्योंकि ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, सो सेम एज इट इज कि हम लोगों ने इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करनी है, और मोर ओवर कि ये एजाइल का एक पार्ट है, सो इस वजह से ये फास्ट भी होगा, ये फ्लेक्सिबल भी है क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है. सो कस्टमर का फीडबैक भी हम देखेंगे और उसकी सेटिस्फेक्शन को भी देखेंगे. सही है. अब इसकी कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं. मेन कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने इसके क्लियर कर लिया. लार्ज प्रोजेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू इजीली मैनेजेबल स्पाइरल्स. स्क्रम इंश्योर्स इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम एंड मनी, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने जिस तरह हम लोगों ने स्पाइरल का देखा था, स्पाइरल में जिस तरीके से रेडियस इंक्रीज होता है, तो उस तरीके से क्या होता है, हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही होती है. लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने अपने टाइम एंड मनी, क्योंकि उसके अंदर ना सिर्फ कॉस्ट बल्कि हमारा टाइम भी उतना लग रहा था क्योंकि रिपीटेडली प्रोसेस चल रहा है. सो इसके अंदर हम लोगों ने अपना टाइम और मनी दोनों को देखना है, कि हम लोगों ने दोनों को इफेक्टिव तरीके से यूज करना है. ठीक है. स्क्रम बीइंग एजाइल अडॉप्ट्स फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स. द टीम गेट्स क्लियर विजिबिलिटी थ्रू आउट थ्रू स्क्रम मीटिंग्स. और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, और वो क्या है, स्क्रम ऑफ्टन लीड्स टू स्कोप क्रीप ड्यू टू लैक ऑफ अ डेफिनेट एंड डेट. द चांस ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर आर हाई इफ इंडिविजुअल्स आर नॉट वेरी कमिटेड और कोऑपरेटिव, क्योंकि टीम मेंबर्स अगर कोऑपरेटिव नहीं होंगे, वो एक दूसरे की जिस कहते हैं टांग खींचने में लगे रहेंगे, अपने काम पे फोकस नहीं करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट फेलियर का भी चांस है. क्वालिटी इज हार्ड टू इम्प्लीमेंट अंटिल द टीम गोज थ्रू एन एग्रेसिव टेस्टिंग प्रोसेस. सो सेम एज इट इज कि ये वाला जो है ये हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है हमारी टीम के ऊपर. टीम जितनी अच्छी होगी प्रोजेक्ट उतना ही अच्छा होगा. सो इसी के साथ साथ जो है हमारा ये ख़त्म होता है, जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट था इनसे रिलेटेड वो सारा हमारा हो जाता है क्लियर. आई होप सो कि आप लोगों को सब कुछ सही लगा होगा. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.